जी, रोल जी, वर्मा जी आप लोग किस जगह खड़े हैं, किस मकसद से आज आप लोग खड़े हैं, क्या मकसद है? हम अपने बहन प्रियंका जी के स्वागत में, अयोध्या की धरती में उनका स्वागत करने के लिए आज हम किसानों और नौजवानों के साथ यहाँ पर भारी संख्या में खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। कितनी संख्या में स्वागत करने वाले लोग? अब आप अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए देश को और दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को कि आज यहाँ पर कोई पैसे पर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये नौजवान है जिसके हाथ रोजगार से खाली है, वो किसान है जिनको आज अपनी बहन बेटियों के शादी करने के लिए उनके हाथ में पैसा नहीं है कि वो अपने बहन बेटियों का हाथ पीला कर दे, आज हत्या करने के लिए मजबूर है। ये मोदी से दुखी हुए लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बहन प्रियंका जी के उत्साह को और बढ़ाने के लिए आज अयोध्या की धरती। इस रैली का कितना प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा? इस रैली का अयोध्या सीट के लिए, अयोध्या सीट पर अब कोई निर्मल खत्री जी को रोक जीत से रोक ही नहीं सकता है। ये तो आप लोग चैनल वाले भी जान गए हैं। यहाँ लल्लू सिंह जो बोलना नहीं जानते, आनंद सेन जो पिछड़ों के नाम पर हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, निर्मल खत्री एक ऐसा नेता है जो जात पात नहीं, इंसाफ की राजनीति करता है। क्या नाम है आपका? जय करण वर्मा। ये गली गली में चोर है, ये क्या है? गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। देखिए ये हम नहीं कहते, इसको लोग कहते, देखिए कैसे कहते हैं, गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। 5 साल में हमारे नौजवानों से उनका रोजगार छीना है, हमारे किसानों से उनकी लागत का उचित मूल्य छीना है और इस देश में जो इंसानियत भाईचारा है उसको खंड खंड करने का काम किया है, इसलिए चौकीदार चोर है। जैसा कि नाबूद करने के लिए आप लोग ने क्या तैयारी बनाई है? हम लोगों ने नहीं, ये कांग्रेसी लोगों की नीति रीत नहीं है। इस देश का नौजवान और किसान और व्यवसायी सभी मोदी को किनारा करना चाहते हैं। नेस्तानाबूद तो जब किसान और नौजवान सड़कों पर उधर आता है तो मोदी ही नहीं, इस देश में लंका के रावण का अगर जो तानाशाही नहीं चली तो मोदी को बहुत छोटा मामला हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रियंका जी से? क्या उम्मीदें हैं? प्रियंका जी हमारे बहुत ही सूझबूझ की नेता हैं। हमारी बहन जब से उत्तर प्रदेश में कदम रखा है तब से नौजवानों और किसानों में भारी उत्साह है। हम नौजवानों और किसानों के उम्मीद है कि प्रियंका जी ने जी के आने से हमारा न्याय होगा, हमारे इंसाफ का फैसला। अपना नाम और जय करण वर्मा।